ठीक आप है में क्या, तमीज है, क्या आप मेरी चाहिए? गुरु नहीं है, आप सिर्फ जज हैं। क्या मेरे को जज बना रखा है तुमने? जजमेंट का लेंगे। व्हाट दिस, मैं इतने सुबह से वेट कर रही हूँ। दैट टाइम आई सेड कि फक बोल ले, ठीक है? आई एम सो फक्ड राइट नाउ, डोंट अपसेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने बहुत मर्तबा टीवी या इंटरनेट पर देखा होगा कि कैसे रियलिटी शोज पर बड़े बड़े जजेस अपनी पावर के गुरूर में परफॉर्मर को बुरी तरह इंसल्ट कर जाते हैं और ज्यादातर तो परफॉर्मर इनके खौफ से और इनके एहतराम में चुप करके बेइज्जत होते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा परफॉर्मर इन जजेस को टक्कर जाता है जो इनकी जलालत बर्दाश्त न करे और इनको ही बेइज्जत करके रख दे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वाकया दिखाऊंगा जिनमें परफॉर्मर ने ही जजेस की बैंड बजा दी। अब इन वाकयात में कब जजेस की गलती थी और कब परफॉर्मर की, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इनको डांस करने से रोका तो वो तब भी ना रुका, जिसकी वजह से जजेस आग बगोला हो गए कि हमारे ही शो पर हमारा ही हुक्म मानने से इनकार। और फिर जब जजेस ने इस परफॉर्मर से कहा कि तुम्हारा डांस बहुत बेकार है, तो वो इनको कहने लगा कि आप लोगों में इतने भी मैनर्स नहीं, एक बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी करने दे। और एक डांसर मुझसे पहले आया था, आपने इसको कहा था कि तुम्हें तो दो थप्पड़ मारने चाहिए, आप कौन होते हैं किसी को ऐसे जलील करने वाले। इसकी बातों पर जजेस को इतना गुस्सा आया कि इनमें से एक तो शो छोड़कर चली गई और वो बाहर जाते जाते जजेस के बैनर्स भी तोड़ते हुए चला गया। करवा परफॉर्मेंस देखो तो सही, पीछे परफॉर्मेंस है ऐसा। मैडम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जितना मुझे आता था मैंने कर दिया। आप में तमीज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके गया है, उससे आप कह रहे हो कि मैं स्टेज पर आके तो थप्पड़ मारती हूँ? हू आर यू के थप्पड़ मारने वाले? आप मेरे गुरु नहीं है, आप सिर्फ जज है। जज का मतलब होता है जो बंदों को जज करे, पेशे रखे। सुनो, ऐसा नहीं होता। तो जज बना रखा तुमने, जजमेंट का लेंगे, गालियां दे रहे हैं, ऐसे बंद होने चाहिए रियलिटी प्रोग्राम से पहले। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान आइडल की। दोस्तों, आप सबको तो पाकिस्तान आइडल याद ही होगा, जिसके जजेस बुशरा अंसारी, अली अजमत और हदीका क्यानी थे। अब बहुत सारे लोगों को तो इस बात पर काफी एतराज था कि ये कौन से बेकार सिंगर्स जजेस बने बैठे हैं। पाकिस्तान में इतने जबरदस्त सिंगर्स हैं, लेकिन इनको यही तीन नजर आए थे। लेकिन खैर, इनकी किस्मत में शायद इस सीट पर बैठना लिखा था। जब एक परफॉर्मर इनके सामने गाना पेश करने आई तो पहले तो वो इसकी लुक्स का बहुत मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर जब इसने गाना शुरू किया तो इसकी आवाज का भी बहुत मजाक उड़ाया और इसको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इससे ये बर्दाश्त ना हुआ और इसने बाहर जाते ही अपनी सारी बड़ास निकाल दी और बाहर बैठे हुए लड़के और लड़कियों से कहा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सिर्फ सिफारिशियों को ही सिलेक्ट करेंगे। खोलिया, यहाँ पे सिर्फ खोया ही जाता है, यहाँ पे पाया नहीं जाता। आई थिंक जो पहले से ऑलरेडी प्लान था वो सब कुछ हो चुका है। मेरे ख्याल से आप लोग भी जो कंटेस्टेंट्स बैठे हैं, आप लोग घर वापस चले जाएं, यहाँ पे कुछ भी फेयर नहीं है। खुद को सुनता पता नहीं है, हम करके गा लेते हैं और आगे खड़े हो जाते। नेक्स्ट है वो मौका जब वकार जक्का को गालियां पड़ी। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि वकार जक्का तो अपने शो पर ऐसे खड़पैंच बने बैठे होते हैं जैसे वो दुनिया में किसी से डरते ही नहीं है, और बिला वजह हर आने वाले नए लड़कियां और लड़कों को बेइज्जत करते रहते हैं और गालियां देते रहते हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की ने इनको सीधा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक लड़की इनके शो पर आई और बहुत अदाएं दिखा दिखा कर बातें कर रही थी, तो वकार जक्का ने इसको बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया। वो लड़की बहुत ऊंचे खानदान की थी और वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाई और जाते जाते वकार जक्का को ऐसी गालियां दी। अब वकार साहब इस बात पर जितना मर्जी गुस्सा करना चाहे कर लें, लेकिन वो लड़की इनको जलील कर गई। मैं आपके
अब हम बात करेंगे इंडियन आइडल में होने वाले तमाशे की। दोस्तों, इंडियन आइडल में एक साहब जब गाना गा रहे थे जो इनकी गायकी बहुत बुरी थी और जजेस ने जब इनको रोका तो वो ना रुके और गाना गाते ही गए। जजेस की बात ना सुनने पर और ना ध्यान देने पर जजेस को बहुत गुस्सा आया और जब इनका गाना खत्म हुआ तो तब इन्होंने कहा कि अब बताएं जो कहना चाहते हैं कहें। जजेस को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो इसको बहुत बेइज्जत करने लगे, लेकिन उस शख्स ने ये कहा कि आप मुझे बेइज्जत करने का हक नहीं रखते और फिर जजेस गुस्से से बाहर चले गए। लेकिन फिर भी वो साहब जजेस से हाथ मिलाने के बहाने गोल्डन टिकट उठाकर बाहर भाग गए। इस बात पर अनु मलिक को बहुत गुस्सा आया और वो भी इसके पीछे भागे और गोल्डन टिकट वापस ले लिया। अब हम बात करेंगे दानिश तैमूर के शो की। दोस्तों, एहसन खान और दानिश तैमूर एक शो को होस्ट कर रहे थे जिसमें चैंपियंस और टिकटॉकर्स का मुकाबला चल रहा था। एक पार्टिसिपेंट को लगा कि दानिश तैमूर की तरफ से ज्यादती हुई है और इनके साथ चीटिंग की गई। इनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और इन्होंने गुस्से से इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। गिर और इंडिया के एक डांस शो में एक लड़की को डांस करने पर रिजेक्ट किया गया तो इसने कहा कि आप लोग बिला वजह मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको तो खुद भी डांस नहीं आता। और काफी देर गुस्से से बोलने के बाद वो बाहर जाते जाते जजेस को गालियां भी दे गई। मैं पीछे खड़ी थी। हिंदुस्तान आइडल के लाहौर ऑडिशंस की, जिसने एक मासूम सी लड़की का दिल तोड़ा। इस लड़की ने आगे से जजेस को बेइज्जत किया। लड़की की आवाज तो अच्छी ही थी, लेकिन जजेस कहने लगे कि आपकी आवाज बहुत बनावटी है, आप यहां से जा सकती हैं। और फिर इस लड़की ने बाहर जाकर शोर मचा दिया। दोस्तों, अब हम मिस वीट पाकिस्तान की बात करेंगे। ये वो रियलिटी शो था जिसमें पाकिस्तान भर से हजारों लड़कियों में से एक लड़की को बतौर सुपर मॉडल चुना जाता था। इस शो के ऑडिशन में जब एक लड़की को रिजेक्ट किया गया तब वो चली गई, लेकिन अगले दिन फिर आ गई और बगैर इजाजत अंदर घुस गई और जजेस से लड़ने लगी कि आपने गलत फैसला किया, मुझे सिलेक्ट करें वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और जजेस ने पहले तो इससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मजबूरन इसको टिकट दे ही दिया। इंडियन आइडल के एक और राउंड में एक साहब ने अपनी रिजेक्शन कबूल ना की और जजेस से इतनी बहस की कि वो सर पकड़ कर बैठ गए। वेरी सुपर स्मार्ट, अल्टीमेटली द जजेस ऑफ दिस इज पीपल ना। तो अब तो इंडियन आइडल वॉइस से ये तो वॉइस की बुरा है। आई एम द जजेस, वकार जक्का के शो पर एक मर्तबा एक बहुत ही बोल्ड लड़की ऑडिशन दे रही थी और इसकी वाहियात बातें वकार जक्का को बहुत बुरी लगी और इसका वाहियात डांस भी इनको एक आंख न पाया। लेकिन जब इन्होंने इसको रिजेक्ट किया तो वो बहुत गुस्से से फट पड़ी कि अपने चस्के पूरे करने के लिए मुझसे डांस भी करवा लिया और इंटरटेन भी हो गए, लेकिन जब मजा पूरा हो गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जब ऐसे लोगों की केयर नहीं है ना, जो लड़के लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं और जो डेयरिंग है, जब उनकी परवाह नहीं है तो यू गाइस डू नॉट वॉच इट, क्योंकि यहाँ पे सही लड़कियों को सिलेक्ट नहीं किया जाता। दोस्तों, दानिश तैमूर के शो पर चैंपियंस और टिकटॉकर्स के दरमियान चैलेंज को टिकटॉकर्स जीत गए, लेकिन राबेल जो के वैसे ही मुंह फट है वो इस हार को बर्दाश्त न कर पाई और दानिश तैमूर से ही लड़ने लगी और कहने लगी कि आपने चीटिंग की है और जानबूझकर टिकटॉकर से बहुत आसान सवाल पूछे। और दानिश इस बात पर बहुत गुस्से में आ गए और राबेल को शो से बाहर निकाल दिया। बच्चों वाले क्वेश्चन, कोई आसान क्वेश्चन नहीं था ये लास्ट वाला, तुम लोगों से भी आसान क्वेश्चन पूछे थे मैंने। ये किसी बच्चे जो जो सवाल मेरे पास आ रहे थे मैंने वो क्वेश्चन पूछे। भाई बहुत आपने इजी क्वेश्चन। अच्छा जी, जल्दी क्या कह रहे हो आप? मैं
मैंने कहा ये बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे, ये बारिश और ये वो सारे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि इजी थे या मुश्किल थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन जाते जाते जजेस को मेरी तरफ से एक पैगाम है, अगर आप किसी ऐसी सीट पर बैठे हैं जहाँ आपके पास ये पावर है कि आप किसी को सिलेक्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, लेकिन इसके बावजूद इस पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी की तस्लील ना करें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं आया तो लाइक कर दो यार, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये लाल कलर का बटन आप दबाएं, आपकी सारी मनते मुरादी पूरी हो जाएंगी। आज मेरा भला करो, कल तुहाडा अल्लाह भला करेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, दोनों चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।